नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आकृति की आकृति। घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ के होने से अच्छाइयों का प्रवेश होता है और बुराइयां घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। आइए आज हम बनाएं शुभ लाभ हैंगिंग फॉर दिवाली डेकोरेशन। यहाँ पर मैंने एक हार्डबोर्ड शीट लिया है, उसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया। पंचिंग मशीन की हेल्प से मैंने दो होल कर लिए फॉर हैंगिंग पर्पस। रेड कलर का यूज़ किया है मैंने फॉर बेस। डबल कोट किया है ताकि हमारा कलर थोड़ा खिल कर आए। दिवाली का इंतज़ार हम सबको होता है। यहाँ पर मैंने कॉपर कलर का यूज़ किया ताकि हमारा बेस थोड़ा शाइनिंग लुक दे। दिवाली में घर को सजाने की हमारी एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ जाती है। तो आइए इस दिवाली आप भी अपना हैंडमेड हैंगिंग बनाइए और अपने घर को सजाइए। अगर आपके पास हार्डबोर्ड ना हो तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारा बेस रेडी है, अब मैंने एयर ड्राई क्ले यूज़ किया है शुभ लाभ लिखने के लिए। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी आप एयर ड्राई क्ले का यूज़ करें तो आप अपनी हथेली पे पाउडर लगाकर यूज़ करें ताकि आपके हाथों पर ये चिपके ना। आप इजीली अपना शेप देकर इस पे शुभ लाभ लिख लीजिए। ये बनाने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। मैंने सीजर की हेल्प से हल्की सी डिटेलिंग की है। अब मैं यहाँ पे एक पतला सा रिबन ली हूँ और इसको मैं हैंगिंग को हैंग करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसको आप टाई कर लीजिए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यहाँ पे मैंने लेस का यूज़ किया है बॉर्डर बनाने के लिए। फेविकोल की हेल्प से आप इसके फोर कॉर्नर्स पे लेस को स्टिक कर दीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी जल्दी से अपने हाथों की बनी शुभ लाभ हैंगिंग बनाइए और अपने घर को सजाइए। ये देखिए हमारा लेस स्टिक हो गया। अब मैंने एक्रिल कलर से इसको कलर कर दिया। मैंने यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। आपका जो भी फेवरेट कलर हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इस पे हल्का सा शाइनिंग इफ़ेक्ट देने के लिए गोल्डन कलर का भी यूज़ किया है। एक टूथपिक की हेल्प से मैंने इस पे डॉट डॉट बना लिया है और बिल्कुल ऐसे ही मैं इसके बेस पे भी करूँगी। देखिए कितना इजीली हमारा इतना ब्यूटीफुल शुभ लाभ हैंगिंग बन रहा है। अब मैंने इसके फोर कॉर्नर्स पे मोती लगाई है। मोती से हमारा डेकोरेशन और खिल कर आता है। इस तरह से आप इसके चारों कॉर्नर पर मोती लगा लें और अपने हैंगिंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना लें। लास्टली हम इसमें ये घुंघरू वाली लटकन को नीचे के साइड हैंग करेंगे। स्टिक कर दीजिए आप इसको फेविकॉल से।
स्टिक करने के बाद इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए है ना ये बेहद खूबसूरत हैंगिंग, तो आइए आप भी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।